नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से है, जहां निकटवर्ती ग्राम धोनी मरना के एक सब्जी विक्रेता की बेटी का 3 वर्ष पूर्व कोरिया में कोरियन भाषा की पढ़ाई को लेकर सिलेक्शन हुआ था। कोरिया से पूरी पढ़ाई कर अपने गाँव धोनी मरना पहुँचने पर समाज बंधुओं सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा उसका स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दें कि धोरीमन्ना बस स्टैंड पर सब्जी बेचने का कार्य करने वाले भिकाराम प्रजापत की बेटी पेम्पो का कोरिया में कोरियन भाषा की पढ़ाई को लेकर सिलेक्शन हुआ था। बेटी पेम्पो ने अपने घर की स्थिति एवं परिवार के सदस्यों की आशाओं को देखते हुए जी जान लगाकर शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद कोरिया देश में नौकरी में भी सिलेक्शन हो गया। आज बुधवार को विदेश कोरिया से बाड़मेर पहुंचने पर समाज बंधुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। वहीं अपने घर धोरीमन्ना पहुंचने पर ग्रामीणों सहित अंबेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित कर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर बताया कि हमारे गाँव के एक गरीब परिवार की बेटी उत्तर कोरिया में शिक्षा प्राप्त करने के साथ शिक्षा के स्तर पर सिलेक्शन होना ये हमारे धोरीमन्ना वासियों के लिए बड़ी ही खुशी और हर्ष का विषय है। विदेश में हमारे धोरीमन्ना का बेटी ने नाम रोशन किया, इसलिए पेम्पो पर हम सब धोरीमन्ना वासियों को गर्व होने के साथ हमारे शिक्षित छात्र छात्राओं के लिए एक मिसाल पैदा करने की बात है। गुड़ामलानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट।